छत्तीसगढ़ में हो रहे दूसरे चरण के चुनाव के लिए प्रचार रविवार की शाम से थम गया। आदर्श आचार संहिता के परिपालन के लिए मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने इसके लिए लिखित आदेश जारी कर दिए थे, जिसके बाद अब प्रत्याशी डोर टू डोर पहुंच रहे हैं। इसके अलावा प्रदेश के सभी शराब दुकानों को भी सील किया गया है। छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण के लिए 20 नवंबर को मतदान होना है, जिसके लिए रविवार शाम 5 बजे प्रत्याशियों के प्रचार रोके गए। आदर्श आचार संहिता के परिपालन में निर्वाचन आयोग की तरफ से इस संबंध में पहले ही आदेश जिला निर्वाचन अधिकारियों को जारी किया गया था। अब चुनावी मैदान में अपनी किस्मत आजमा रहे प्रत्याशी व्यक्तिगत प्रचार करने घर घर दस्तक दे रहे हैं। निर्वाचन आयोग की तरफ से जारी दिशा निर्देशों के मुताबिक मतदान समाप्ति के 48 घंटे पूर्व से सार्वजनिक मंचों से प्रचार प्रसार प्रतिबंधित रखा गया है। साथ ही विधानसभा क्षेत्रों में बाहरी व्यक्तियों को मतदान समाप्ति के 48 घंटे पूर्व जिले से बाहर जाना होता है। आयोग के इस दिशा निर्देशों का पालन कराने और इसकी मॉनिटरिंग के लिए भी आयोग ने टीम बनाई है। चुनाव से जुड़ी किसी भी शिकायत के लिए आयोग के कंट्रोल रूम का नंबर 07712445785 जारी किया गया है, जो 24 घंटे चालू रहेगा। किसी भी तरह की गड़बड़ी की सूचना मिलते ही संबंधित विधानसभा क्षेत्र के रिटर्निंग अधिकारी और निगरानी दल सक्रिय हो जाएंगे। इसके साथ ही विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए निर्वाचन आयोग ने शराब दुकानों को 48 घंटे पहले सील कर दिया है। ये दुकानें 21 नवंबर तक बंद रहेंगी। देश टीवी के लिए निखिल विश्वकर्मा की रिपोर्ट। ज्यादा से ज्यादा वीडियो अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। न्यूली अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। देश टीवी, वी रिपोर्ट, यू डिसाइड।